হাই বন্ধু, নতুন ভিডিও নিয়ে আবার আমি ফিরে এলাম, শেখ আসগর আলী। আপনি দেখছেন ইউটিউব বাংলা 10। চলুন আগে বাড়া যাক। একটা খবর এইমাত্র আমি পেলাম যে দিল্লিতে বিশাল প্রতিবাদ চলছে। শিখ ধর্মের যে মানুষগুলো আছে তারা প্রতিবাদে পথে নেমেছে। তারা কি বলছে আমরা একটু দেখে নেব, তার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। বন্ধু, আমাদের এই জিনিসগুলো বন্ধ হওয়ার অবশ্যই দরকার আছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এর দিকে নজর দিয়া অবিলম্বে নজর দিতে হবে, না হলে আমাদের ভারতবর্ষের মান মর্যাদা থাকবে না, সব শেষ হয়ে যাবে। চলুন ভিডিওটা দেখুন। और बीजेपी ये दोनों जमातों को हम बताना चाहते हैं कि जो ये भारत देश में इसका टुकड़ा करना चाहते हैं हिंदू राज लाकर, ये बताना चाहते हैं हिंदुत्व दिखाकर कि जो दिल्ली में जो इन्होंने नंगा नाच जब से गोर मिटाई हम सिखों के साथ मुसलमानों के साथ ईसाइयों के साथ जो हो रहा है भेदभाव, ये सब ये आरएसएस के कहने पर बीजेपी गोरम कर रही है। जो दिल्ली में जो ये वाकया हुआ है सरदार लड़कों की पगड़ी उतार कर और उसको बिल्कुल बाल की तरह इन्होंने रजौरी गार्डन थाने के सामने जो वाकया गुजरा है 40 मिनट तक ये तमाशा करते रहे वो लड़के, दोनों लड़के जो इन्होंने इस पर अरेस्ट किए हुए हैं दिल्ली पुलिस ने। मैं ये गवर्नमेंट से मोदी जी से भी कहूंगा, राणा से भी कहूंगा, अमित शाह से भी कहूंगा और आरएसएस वालों से भी कहूंगा कि ये जो नंगा नाच आप मुसलमानों सिखों ईसाइयों और शुरू का से कर रहे हो इसको बंद कर दो, नहीं तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसके जिम्मेदारी आरएसएस और ये बीजेपी भी होंगे। 12% के ये लोग आज हम बता रहे हैं पूरे भारत देश को कि ये देश हमारा है। आज यूपी में सीएम बना है आदित्य और उसने कल गोरखपुर में एक पोस्टर लगा दिया कि मुसलमान यहां से भाग जाए, गांव खाली करके चल जाए। उसके बाद यूपी में इसे एक और जगह गांव में पोस्टर लगाए जहां पर उनको भी चैलेंज किया है कि आप मुसलमान यहां से गांव खाली करके चले जाएं। मस्जिद पे इन्होंने अपना झंडा लगा दिया है, ये हिंदुस्तान को तबाह करने में तुले हुए हैं। ये लोग सिख और मुसलमानों को बोलते हैं ये कौम के गद्दार हैं या ये देशद्रोही है। मैं कहता हूँ आरएसएस और बीजेपी, मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ ये देशद्रोही है और ये उग्रवादी है। सही मैंने में हिंदुस्तान में जो उग्रवाद डाला हुआ है ये आरएसएस और बीजेपी लोगों ने डाला हुआ है और किसी ने डाला हुआ है। ये हम लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे, इन्होंने अब बंटवारा करना है। अगर ये भगाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ पूरे अवाम से, सब भाइयों से कहता हूँ कि इनको भारत देश से बाहर निकाला जाए और हम लोग अब चैन की नींद सो सकते हैं। और जो कार्रवाई इन्होंने की है, जो आज तक कार्रवाई इन्होंने उन दो के खिलाफ नहीं की है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो कार्रवाई इन्होंने नहीं की अभी तक दो लड़कों के खिलाफ, वो सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस माहौल को खराब होने से बचाया जाए। और दिल्ली में भी कहूंगा सब लोगों को, ये सिखों को, आवाम को, सारे हिंदुस्तान के, भारत देश के सिखों को कहूंगा कि एका कर लो, नहीं तो आने वाला टाइम खतरनाक है। हम सिखों को एका करना पड़ेगा तभी हम करेंगे। और सिखों अपनी आन और